हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई आज तो पाकिस्तान के यहाँ से ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि क्या बोलूँ। व्हाई आर पाकिस्तानीज बीइंग ड्रिवन अवे फ्रॉम यूएई? गेट आउट पाकिस्तानीज इन यूएई। ला, अभी हमने न्यूज़ सुनी है कि भाई यूएई मेरे ख्याल से बोल रहा है अपने सऊदी लोग, अरेबिया अच्छा सऊदी अरेबिया बोल रहा है, मुझे लगा यूएई बोल रहा है कि भाई अपने लोगों को कि तुम ये यहाँ तो पाकिस्तान मत जाओ, या अगर वहाँ पे हो तो अपने घर में रहो या सेफ रहो, उस टाइप से उन्होंने जिसको जो वार्निंग दी इंटेल है। मिल रही है वो मेरे वो ख्याल से अपने उस हिसाब अपने से कर लोगों रहा से है। कर रहा है, और यहाँ पे जो है पाकिस्तानीज को जो गए हुए हैं यूएई, उनको बोल रहे हैं यूएई वाले कि भाई यहाँ से निकलो। और हम लोगों ने कहीं सुना था ना कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो भैया कहाँ जा रहे हैं? इसका मतलब यूएई जा रहे होंगे, और यूएई तो कह रहा है कि भाई निकलो यहाँ हो भी से। सकता है, देखते हैं। मुझे तो यही नहीं, लग ऐसे रहा आप जा नहीं सकते। मतलब आप जब भी वीजा लेके जा है, तो रहे हैं, जो भी लीगली जा रहे होगा हैं, तो कोई आपको वहां हायर करेगा तभी जाएंगे ना आप, क्या या पता, टूरिज्म के लिए जा सकते हैं, या स्टूडेंट जा सकते हैं। चलो पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। वीडियो यस शुरू करते हैं, पता करते हैं डिटेल्स। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 1947 में एक पाकिस्तान नाम के एक देश का जन्म हुआ था, हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और दिसंबर 2022 आते आते ये पाकिस्तान नाम का मुल्क पूरी दुनिया के अंदर हंसी मजाक का पात्र बन के रह गया। मुआशी बुहरान है, करोड़ रुपया क्यों गिरावट का शिकार है? मतलब अदरक, लहसुन, प्याज ये भी बाहर से आता है। जनाब डॉलर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा? आपको आपका कोई हमसाया मुल्क पैसे नहीं दे रहा, और मुल्क में अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। मईशत, तिजारत, बैन अल-क़वामी बरादरी का एतमाद, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और सिर्फ पूरी दुनिया में मनोरंजन के सिवा और कुछ नहीं दे पा रहा है। हमने एटम बम भी बनाया हुआ है, हमसे दुनिया में कोई नहीं डर रहा। दुनिया की पहली इस्लामी एटमी रियासत, इसका हाल ये नहीं होना चाहिए था जो नजर आ रहा है। 9 महीनों में पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, हम यहाँ पे बैठ के रोते हैं। आपने सबसे पहले घबरा करो निकाले। पहले तो पाकिस्तान के कुछ टर्की में तुर्के भी ने बोला खदेड़ था। खदेड़ के भगा भगा के मारा, फिर सऊदियों ने भगा भगा के मारा, थोड़े दिनों पहले यूएई ने भी मारा, लेकिन उस वक्त थोड़ा कम मारा था, अब यार सुजा सुजा के मारा। अदनान पराचा ने बताया कि एजेंट्स माफिया ने विजिट वीजे के नाम पर नौकरी का झांसा देकर कुछ लोग यूएई भेजे थे, लेकिन नौकरी ना मिलने पर यूएई जाने वाले अफराद भीख मांगने और दीगर काम करते हुए पकड़े गए, जिसके बाइस पाबंदी लगा दी गई। तो यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा बैन ही कर दिया। कल दुबई की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक दुबई ने 24 शहरों पर, पाकिस्तान के 24 शहरों पर अपने वीजा को बैन कर दिया है। शहरों को हम नहीं अपने शहरों में पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में। अगर मैं बात करूं दुबई की, तो दुबई में पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों मौजूद हैं, लेकिन गेट आउट का ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों लगता है, और प्रेफरेंस इंडियंस को ही क्यों दी जाती है? तो पाकिस्तान और ये जो पाकिस्तानी कौम है, अब ये संसार के लिए सिर्फ एक मजाक का पात्र बन के रह गई है, हिंदुस्तानियों के मनोरंजन का साधन बन के रह गई है। इनके जले पे नमक छिड़कते हैं और चलते पाकिस्तान। दुबई की पहले से ही हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, वो उनके बाशिंदे वहाँ पे काम करते हैं, तो वो उनको ज्यादा मतलब फैसिलिटेट करते हैं, बजाय ये कि हमारे पाकिस्तानियों को पहले भी उन्होंने डिपोर्ट किया था पाकिस्तानियों को। याद है भाई को, याद है, याद है। और अभी फिर ये लोग इस तरह की मतलब हरकतें कर रहे हैं, तो कौन से दुश्मन मुल्क के बाशिंदे और कौन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? इंडिया, मेरा इशारा इंडिया की तरफ है। तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? क्योंकि इंडिया ही हमारा मतलब दुश्मन मुल्क है। ये बिल्कुल सही बोला मेरे भाई ने, इंडिया कसूरवार है। इससे ये साबित हो गया कि पक्का जाहिल है, क्योंकि वहाँ पे दुबई में मेरे अपने कजन भी काम करते हैं, तो उनसे बात होती रहती है, तो वो कहते हैं कि जी जितना कि वो इंडिया को फैसिलिटेट करते हैं, उतना पाकिस्तानियों को नहीं करते। इसका असली कारण तुम हो मेरे भाई, जो तुम दूसरे देश में भी जाके जो गंदगी पाकिस्तान में, जो दूसरे की कंट्री में ले जाके मचाते हो, फैलाते हो। अपने लक्षण तो सही कर लो मेरे भाई, बाद में इंडियंस को, यूएई वालों को गालियां देना। अबे साले, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानियों के वहाँ पर केसेस पकड़े जाते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या इंडियंस वहाँ पर फंसवाते हैं? यूएई का कानून बहुत सख्त है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? क्या दुबई बायस्ड है? नहीं, बायस्ड इस तरह से है कि आप अगर मतलब अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं,
क्योंकि मैं बेसिकली मतलब मिलिट्री अकाउंट्स आर्मी में हूँ। ये पाकिस्तान आर्मी में, ऐसे लोग अगर पाकिस्तान की आर्मी में, तभी तुमको बलूची भी ठोक के जा रहे हैं, टीटीपी वाले घर में घुस के जा रहे हैं, तालिबान वाले तुम्हें बॉर्डर पे नहीं छोड़ रहे। तो भैया तुम तो अपने घर में पिट रहे हो, इसीलिए पिट रहे हो कि तुम्हारे पास ऐसे आर्मी वाले। बात तो सही है। तो हमारा भी इसी तरह होता है कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर आप उसकी वजह से एक पूरे इंस्टीट्यूशन को, पाकिस्तानियों को ही अगर बुरा कह दें तो वो गलत होगा। हाँ, अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। तो दुबई का इस तरह से है कि ये बायस थोड़ा सा मुझे लगता है बिहेवियर टुवर्ड्स सर। आप देखिए, अगर हम वो नहीं अस्सी भी मुसलमान तो सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी के लिए डायलॉग में भी तक ट्रेंड लगा। आपको पता है कि सऊदी और दुबई दोनों में इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों है, फिर ये ट्रेंड पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों? अब हर कोई तो नहीं ना बायस हो सकता अगर हम ये कहते हैं कि दुबई बायस है। नहीं नहीं, पाकिस्तानियों का भी मतलब इसमें अमल दखल जरूर है, गलतियां करते हैं ये लोग भी। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को भी पहले ठीक करें। गलती मान ही ली। और लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि जिस तरह से वो इसराइल से यूएई में वो उनका वजीर आजम आया, ठीक है, और अभी भी वो वहाँ पे सफारत खाने की और एक अलग शहर आबाद करने की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये गलत है? हाँ, तो इसराइल से हमारे किसी भी किस्म के हमारे कायद ने भी यही कहा था, चूँकि आज 25 दिसंबर है, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जी किसी किस्म का भी अगर यहूदी है तो उनसे हमारा कोई लिंक नहीं होगा, जिसने भी पाकिस्तान बनाया, जिसकी वजह से आज हम आजाद मुल्क हैं। अपने कटोरे में पैसा लेने के टाइम पे तो यहूदी नहीं दिखता, नहीं, कोई ईसाई नहीं दिखता, नहीं, कोई चाइनीज नहीं दिखता, नहीं, कोई गैर इस्लामी नहीं दिखता, नहीं। पैसों के टाइम नहीं लगता भैया, पैसों के टाइम तो आ जाते हैं सब लोग। यहूदियों से हम लोग नॉन मुस्लिम से जब डॉलर्स लेते हैं, जब फंड्स लेते हैं, तो फिर हम वो क्यों लेते हैं? ले रहे हो? नहीं, यूएसए क्यों ले रहे हो? अलग डिबेट है, ठीक है। और अगर फंड्स की बात करें या इस तरह से, अब आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में सारे यहूदी हैं, ठीक है, तो क्यों लेते हैं फिर हम? तो अब उसके बगैर मुल्क का मतलब गुजारा भी नहीं चलता। अगर आप अमरीका के साथ ताल्लुकात बहाल करने की बात करते हैं, नॉट इसराइल, इसराइल अगर मतलब कहीं पे भी फंडिंग करता है तो उसके मैं तो मुआवनत करूंगा। हमारी मुस्लिम कंट्रीज जितनी भी है, बांग्लादेश की मिसाल ले ले, वो लोग साइड लेते हैं इंडियंस की, वो कहते हैं कि ये सिंसियरिटी से काम करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इंडियंस तो जाहिर है उन्होंने तारीफ ही करनी है, यहूदियों की तो आपस में दोस्त ही होते हैं, ठीक है, इसीलिए पाकिस्तान को जाहिलों का मुल्क कहा जाता है। मुसलमान जहाँ अच्छा काम करते हैं, पाकिस्तानी जहाँ अच्छा काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता? नहीं किया जाता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर सऊदी अरब में पाकिस्तानी अच्छा काम भी करते हैं, ठीक है, तो लेकिन अगर उनके मुल्क की पॉलिसी है कि पाकिस्तानियों को ही डिपोर्ट करना है, तो वो फिर कर देते। ऐसा कैसे हो सकता है सर? हम लोग क्यों ये बात अपने आप को खुद ही क्यों टारगेट करते हैं कि पाकिस्तानियों पर ही जो है वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है? दूसरी भी तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, फिर पूरी दुनिया में क्या उन्होंने टारगेट पाकिस्तान को ही करना है? बात बताए क्या है, हमारा जो पासपोर्ट है, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, अगर आप रिसर्च करें तो वो वर्स्ट पासपोर्ट में शुमार होता है। तुम लारी वजह से हमें इसमें क्या पकड़ी जा? वाह, लॉजिक ही नहीं। क्या अचीवमेंट है मेरे भाई, क्या अचीवमेंट है पाकिस्तान की और पाकिस्तानी पासपोर्ट की। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बेतुकी बातें, नीचे से चौथा है। कोई ठूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने जस्ट ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। इंडिविजुअली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हमारे हुक्मरान, हमारी पॉलिसीज इस तरह के मैटर्स हैं कि हम मतलब एक इंडिविजुअल को नहीं टारगेट कर सकते, या किसी को नेशनली। मैं तो ये कहूंगा कि तुम तो इंडिया को ही टारगेट करते रहते हो, बात करना चाहिए। प्लस जो यूएई वगैरह हैं, उनको भी चाहिए कि वो भी इस पे नजर सानी करें। इन पाकिस्तानियों के लक्षण ही ऐसे हैं, अभी तो इनको 3-4 कंट्रियों ने खदेड़ा, वो भी इस्लामिक कंट्रियों ने खदेड़ा है, तो कितनी शर्म की बात है इन पाकिस्तानियों के लिए। अपने आप को इस्लामी जमहूरी मुल्क कहते हैं, जिसके अंदर तो लानत है तुम लोग पे, लानत। और अगर इन लोगों ने अभी भी अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो ऐसे जलील और खुआर होते रहेंगे और हम हिंदुस्तानियों का मनोरंजन होता रहेगा। तन शुरू होता आपका, आप भी इन जाहिलों को दो दो जूते मारते हुए जाना। एक कमेंट दो जूते के बराबर काम करता, तो कमेंट करके जरूर से जाना। ओके भाई, और इस वीडियो को सिर्फ 15,000 लाइक तक पहुंचवा दो आप, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, कुछ भी नहीं चाहिए भाई, ठीक है, बस इसके बाद शेयर और कर देना। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई देख लो कि अच्छा, यूएई में जो किया है मुझे समझ नहीं आया। मैंने जब उनकी बात सुनी तो मुझे लगा कि यूएई कह रहा है कि पाकिस्तान की कोई जगहें हैं, उन जगहों से हम लोगों को आने नहीं देंगे। नहीं, वो तो बोला तो इसी तरह
इतने जो भी उनके स्टेट्स हैं उनमें अलाउड नहीं है, उन सिटीज में नहीं आ सकते, सिटीज या जो भी उनके स्टेट्स हैं उस कंट्री में, वहाँ पे आप बाहर से पाकिस्तानी उसको अलाउड नहीं है उन स्टेट्स में, उस जगह पे नहीं आएंगे। और क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ आ गए हैं पर उनको नौकरियां नहीं मिली, गलत में आ गए और फिर उनके हिसाब से कि वो मतलब बैक करते हुए पकड़े गए हैं। ओ वापरे। और ये वैसे बोल रहे हैं कि भैया हमने जो है यहूदियों और इन फलाना ठमकानों से जो है हमें तो वो उनके साथ कुछ नहीं, और वो अच्छा बोला, हमने भी कहा कि भाई मांगते टाइम तो तुम देखते नहीं हो कि भैया ये मुसलमान है कि वो, तब तो धर्म वर्म देखते नहीं हो। उनकी गवर्नमेंट जो हेट्रेड जनरेट कर रही है वो तो है, उन्होंने देखो एजुकेशन तो ऑलमोस्ट जीरो कर दी अपने लोगों की, और बार बार रिलीजन का डाल डाल के और उस टाइप की रिलीजियस स्टडीज कर करके उनका दिमाग जो है इस तरह से इतने सालों में कर दिया है कि वो उसके बियॉन्ड बेचारे समझ ही नहीं पा रहे, उनको यही नहीं पता चल रहा कि तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है। जो नॉर्मल लोग हैं पाकिस्तान के, उनको ऐसे इन्वायरमेंट में डाल रखा है जिससे उनकी पूरी सोच खराब हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि अच्छे इंसान हर जगह है, बुरे इंसान हर जगह है, मगर वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा बना रखा है कि उन बेचारों को मतलब नहीं नॉलेज मिल पा रही। जो मेरे ख्याल से मतलब वहाँ उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हैं, शायद उनको नजर आया था कि हो क्या रहा है, और मुझे पता उनको नहीं, सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट हेट्रेड और भैया और इज़राइल के अगेंस्ट हेट्रेड, ये के अलावा कुछ और इन्होंने इनको सिखाया नहीं, कोई लॉजिक था ही नहीं, कोई लॉजिक नहीं था, बड़ा कोई लॉजिक नहीं था। पासपोर्ट हमारा खराब है, वहाँ पे ये नहीं हो रहा, अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, इंडिया अच्छा, पता नहीं, मतलब जो भी है। अब यही है कि चलिए एक बंदा कह रहा है, बट नॉर्मली सिचुएशन उनकी ख़राब हो रही है, उससे अल्टीमेटली पावर होती है जो नॉर्मल लोग हैं। नॉर्मल लोगों को जब लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत नेगेटिविटी हो गई, वो लोग ही अपनी गवर्नमेंट को चेंज करेंगे, चेंज लाएंगे। वो तो साधारण जो इंसान है ऑन द रोड पाकिस्तान में, उसी को अपनी कंट्री को बचाना है, अदरवाइज़ तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी उनके देश में, आएंगी। जैसे न्यूज़ आ रही है कि इनसाइड उनकी कंट्री में इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बाहर भी अब जा रहे हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये तो उनके तो बुरे हालात हो गए हैं अंदर भी और बाहर भी, ना अंदर रह सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।